बिल्कुल, केडिया सर यहाँ पर मौजूद हैं और केडिया सर ने पूरा अपना गुड़ा भाग जो है वो कर लिया यहाँ पर कागजों पर। सर सबसे पहले आपको बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन है, पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था दोनों जो है अभी भी चल रही है, कोई भी चूज कर सकता है टैक्स पेयर? दोनों टैक्स रेजिम अभी भी चल रही है। पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है उसमें जीरो से लेकर 2,50,000 तक टैक्स में जो है छूट है, नई में जीरो से लेकर 3,00,000 तक छूट है, उसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 50,000 का चेंजेस किया है, न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट दी गई है। एक सेकंड, तो नई टैक्स रेजिम जो है उसमें आप कह रहे हैं जो पुरानी वाली है उसमें 2,50,000 तक आमदनी जो है वो कर मुक्त है, इसमें 3,00,000 कर दिया है। अच्छा, अब ये जो 7,00,000 रुपए वाली बात कही जा रही है कि साहब 7,00,000 रुपए तक आमदनी टैक्स फ्री, वो जो हम सीधे कैलकुलेट करके बता रहे हैं 33,800, वो फायदा कैसे हो रहा है और वो क्या सिर्फ नई टैक्स रेजिम में ही हो रहा है? नई टैक्स रेजिम में जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे 7,00,000 रुपए पर, जो कि टैक्स अमाउंट 33,700 करीब आ रहा है, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A, 87 रिबेट देता है, तो उस पर जो 7,00,000 तक जो टैक्स बनता है वो सारा का सारा टैक्स अमाउंट रिबेट के तहत माफ हो जाता है और आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में ये चेंजेस किए गए हैं लेकिन पुराने टैक्स रेजिम को टच भी नहीं किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन किसी भी तरीके का नहीं है। तो आपकी नजर में नई टैक्स रेजिम या पुरानी टैक्स रेजिम टैक्स पेयर को किस में फायदा? दोनों टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेशन करना होगा और जिसमें कम टैक्स आता है उसको आप जमा कराइए। ठीक है, मुझे लगता है जरा जल्दी से दर्शकों की आसानी के लिए हम दिखाते हैं नई टैक्स रेजिम पुरानी टैक्स रेजिम। देखिए पुरानी टैक्स रेजिम जो है उसको बिल्कुल नहीं छुआ गया है, वो जस की तस है, लेकिन जो नई टैक्स रेजिम है वो बदली है और वो किस रूप में बदली है अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। 5,00,000 रुपए तक की कमाई, पुराना टैक्स सिस्टम कोई टैक्स नहीं, नया टैक्स सिस्टम कोई टैक्स नहीं, फायदा मतलब ना कुछ फायदा ना नुकसान। 6,00,000 रुपए तक की अगर आमदनी पुराने टैक्स सिस्टम में आपको यहाँ पर 23,400 रुपए देने होंगे, नया टैक्स सिस्टम अगर आप चुनते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं देना है और यहाँ आपको सीधा फायदा हो रहा है 23,400 रुपए का। अब ऐसे 7,00,000 रुपए, पुराना टैक्स सिस्टम 44,200 रुपए और नए टैक्स सिस्टम में आपको कुछ नहीं देना है, मतलब सीधे फायदा 44,200 रुपए का हो रहा है। तो 7,00,000 रुपए तक की आमदनी और सीधे सीधे नए टैक्स सिस्टम में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यही मकसद कि ये जो नया टैक्स सिस्टम है सरकार की तरफ से इसको लुभावना बनाने के लिए ये रियायतें जो नए टैक्स सिस्टम में दी गई हैं। अब इसी तरीके से 8,00,000 रुपए देखिए, पुराने टैक्स सिस्टम में 65,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा था, नए टैक्स सिस्टम को अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स 65,000 नहीं 35,000 देना होगा, मतलब यहाँ सीधे फायदा आपको 30,000 रुपए का हो रहा है। ऐसे 9,00,000 रुपए, 85,800 अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हैं, नया टैक्स सिस्टम 45,000, मतलब सीधे आपकी बचत हो रही है 40,800 रुपए की। 10,00,000 रुपए तक की अगर आमदनी पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 1,06,600 रुपए जो आपको देने पड़ेंगे और नए टैक्स सिस्टम को अगर आप चुनेंगे तो फिर आपको देना होगा 60,000 रुपया, मतलब यहाँ पर सीधे आपकी बजट 46,600 रुपए। तो कुल मिलाकर मोटी बात यह है कि आपको नए टैक्स सिस्टम में ही फायदा है और बड़ी बात यह भी कि एक तरीके से डिफॉल्ट नए टैक्स सिस्टम के तहत ही टैक्स की गणना की जाएगी, पुराना टैक्स सिस्टम अगर आपको चाहिए तो वो आपको चुनना पड़ेगा। तो दोबारा से देख लीजिए किस तरीके से ये पुराना वर्सेस नया इनकम टैक्स का स्लैब और इसमें जो नया टैक्स सिस्टम है वही फायदे की बात, फायदे का सौदा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।